देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इन अ रिएक्शन टू ए गिव्स अस प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। तो कैलकुलेट रेट ऑफ अ रिएक्शन, आपको रेट ऑफ अ रिएक्शन निकालना है। तो ए जो है हमारा वो है क्या, रिएक्टेंट है। रेट उसके टर्म में क्या होगा, रेट हो जाएगा हाफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन। माइनस मत लगाना, हाफ पता है ना क्यों आया, टू थी स्टोइकोमेट्री इसलिए। तो हाफ लिखेंगे, ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आएगा, 0.5 नहीं फ्रॉम 0.5 टू 0.4, तो 0.4 माइनस 0.5 आएगा। पर बाहर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मॉड लगेगा और मिनट 10 है। तो बच्चे ये कितना आ जाएगा, 0.4 माइनस 0.5 आएगा आपका, 0.1 माइनस का तो मॉड है तो 0.1 ही बचेगा, और 10 टू जै 20, तो आपका आया ये 1/200। ठीक है, और 1/200 और यूनिट होगी मोल पर लीटर और साथ में क्या है, मिनट। ठीक है, तो 1/200 आप बता ही सकते हैं 0.005 होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स अस प्रोडक्ट, रेट लॉ इज, रेट लॉ आपको दिया है आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 2। ठीक है, तो ऑर्डर आपको बताना है। तो ऑर्डर आपको पता है फ्रैक्शन भी हो सकता है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, इट इज़ दी सम ऑफ दी पावर ऑफ दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशी। ए और बी रिएक्टेंट है, इनकी पावर का सम। तो 1/2 + 2 करोगे 2 + 4 + 1 5/2 आ जाएगा ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर कितना आ जाएगा, 5/2 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कन्वर्जन ऑफ एक्स टू वाई फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीजेज टू 4 times। ठीक है, हाउ विल इट अफेक्ट ए वाला द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। तो ये थोड़ा क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन रेट लॉ में भी जाएगा और रेट ऑफ अ रिएक्शन में भी जाएगा। तो देखो, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जब हम एक्स को वाई में कन्वर्ट करते हैं, एक्स को वाई में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक्स को वाई में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये समझ के रखेंगे, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, पहले ये देख लें रेट होगा क्या। तो क्योंकि एक्स रिएक्टेंट है तो डेल्टा एक्स बाय एनी टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और वाई प्रोडक्ट है तो डेल्टा वाई बाय एनी टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ये हमारा रेट हो गया। अब इसके बाद क्या है, उन्होंने बोला कि ये जो रिएक्शन है इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो,
और ये जो रिएक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा। इसका मतलब जो आपका रेट लॉ होने वाला है, जिसमें रेट इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हो, रिएक्टेंट आपका एक्स है, तो वो सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करेगा, मतलब इसका ऑर्डर दो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है। इस रेट को अपने मन से कुछ मान लो, ठीक है, इसको तो हाँ इसको भी आर ही बोल सकते हैं और इसे भी आर ही बोल लो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात उन्होंने बोली कि एक्स की कंसनट्रेशन को हमने चार गुना कर दिया, तो देखो नया रेट क्या होगा, आर डैश इज इक्वल टू के एक्स डैश लिखा जाएगा, और पावर कितना लिखा जाएगा, दो, पर एक्स डैश फोर टाइम्स है, तो एक्स डैश इज फोर टाइम्स ऑफ एक्स, फोर का स्क्वायर 16 होगा, तो 16 के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, चार का स्क्वायर 16 आ गया, तो के एक्स स्क्वायर लिख लो, पर के एक्स स्क्वायर आपका ओरिजिनल रेट है, तो नया रेट 16 टाइम्स हो जाएगा आर के। ठीक है, तो भाई अगर आपको ये दिख रहा है ना ऊपर से कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के भी कंसनट्रेशन के और वाई के भी कंसनट्रेशन के, तो आप खुद देखो कि अगर नया रेट 16 टाइम्स हो गया तो वाई की कंसनट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, 16 टाइम्स, मतलब वाई पहले के मुकाबले 16 टाइम्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उस गिवन टाइम में। ठीक है, वाई पहले के मुकाबले 16 टाइम्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उस गिवन टाइम में, तो दस विद रेट बिकम्स या एज रेट बिकम्स 16 टाइम्स चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ वाई इज ऑल्सो इंक्रीज टू 16 टाइम्स, मतलब वाई का फॉर्मेशन भी अब 16 गुना होगा। क्लियर है, ये देख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ये भी 16 टाइम्स होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, आप नया क्वेश्चन है कि फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन मतलब रेट लॉ, फ्रॉम द रेट लॉ ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन ऑर्डर एंड डायमेंशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, मतलब रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होने वाली है, डायमेंशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट के हमें डायमेंशन भी देखने हैं। देखिए पहला क्या है, 3NO गैस फॉर्म गिव्स अस N2O गैस फॉर्म, और इसका रेट लॉ है आप पे रेट इज इक्वल टू के एनओ रेस टू द पावर 2। तो मैं यही बोल रहा था आपको कि दिखने को तो बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ 3 है तो 3 नहीं आया, 2 आया, सारे रिएक्ट नहीं करते। दूसरा देखो, दूसरा है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्वस प्लस 3I-, आयंस भी एक्वस में होते हैं, प्लस 2H+, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, गिव्स अस 2H2O लिक्विड फॉर्म में प्लस I3-। ठीक है, और इसका रेट है के H2O2 और I-, तो देखो ये H+ पे डिपेंड ही नहीं करा, I-। ठीक है, ऐसे है। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा आप पे है CH3CHO गैसेस फॉर्म में, आपको देगा CH4 गैसेस फॉर्म में और CO गैसेस फॉर्म में, और इसमें जो रेट है आपका वो है के CH3CHO की पावर कितना, 3/2। ठीक है, तो यू कांट प्रिडिक्ट, ये सारा डेटा से आता है। चौथा है आप पे C2H5Cl गैसेस फॉर्म में, आपको देगा C2H4 इथीन गैसेस फॉर्म में और HCl,
और यहाँ पे रेट है, रेट के C2H5Cl। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन है, चार हैं और इनको हम करना बारी बारी से शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे पहला है, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहला देखिए, पहले का रेट लॉ ये रहा, आपको डायरेक्टली दिख रहा है इसका ऑर्डर कितना है, दो है। जो एनओ की पावर होगी वही होगा रेट लॉ में, जो भी पावर आ रही है वो ऑर्डर है, रिएक्शन से नहीं। रिएक्शन में आपको तीन दिख रहा होगा, पर जो रेट लॉ में है वो ऑर्डर है, पावर जो भी होगी, है ना, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं पावर। तो ऑर्डर दो है। अब के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी आर अपॉन एनओ की पावर कितना, दो। यहीं से निकालेंगे, देखो सेकंड ऑर्डर याद कर लो, चाहे यहाँ से निकालो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो रेट आपको पता है, रेट होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रेट लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ रेट की बात कर रहा हूँ। रेट होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, रेट में कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, और अपॉन टाइम है तो पर सेकंड। और नीचे देखिए कितना है, इसे ऐसे लिख लेता हूँ, है ना। और नीचे देखिए एनओ है, एनओ भी तो एक तरह की कंसंट्रेशन है, तो ये भी किस में होगी, मोल पर लीटर में। और पावर कितनी चलेगी, दो चलेगी, क्लियर है। सेकंड की पावर कितनी चल रही है, माइनस वन। देखिए रेट होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर और अपॉन में टाइम है तो सेकंड इनवर्स, और एनओ कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर की पावर दो। देखिए इससे कटेगा तो एक पावर बचेगा नीचे, ठीक है। तो आपके कुछ ऐसा है, सेकंड का इनवर्स अपॉन नीचे क्या, एक पावर मतलब मोल पर लीटर, यही है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, मोल की पावर माइनस वन, लीटर पहले से माइनस वन है तो प्लस वन बनेगा, और सेकंड की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी। तो मोल माइनस वन, लीटर सेकंड की पावर माइनस वन, ठीक है। तो पहले का ये हुआ। अब देखिए दूसरा, दूसरा देखिए, दूसरे में रेट लॉ ये रहा, तो आपको ऑर्डर सीधा दिख गया। ऑर्डर कितना होगा, इसकी पावर एक है, इसकी भी पावर एक है, माइनस एक नहीं, वो तो आयन है। एक प्लस एक कितना, दो। ऑर्डर दो आ गया। और के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी आर अपॉन ये दोनों H2O2 और ये आई की पावर माइनस वन, ये होगा। अब देखिए रेट का हम अभी पढ़ें कि मोल पर लीटर और पर सेकंड होता है, ठीक है। रेट का होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। भाई ये चीज़ हुई आपकी, H2O2 जो था आपका वो तो मोलर कंसंट्रेशन है तो वो मोल पर लीटर होगी, ठीक है। और आई माइनस भी एक कंसंट्रेशन नहीं है तो वो भी किस में होगी, मोल पर लीटर में होगी, क्लियर है। दोनों मोल पर लीटर में हुए। या कुछ और करना चाहते हो, क्या आयन की कंसंट्रेशन होती है, क्यों नहीं होगी सर, जो भी होगा सो होगा, ठीक है। तो ये पावर बनेगा दो, ठीक है, एक को हटाया और दो बना दिया, और दो से एक पावर कैंसिल होगी तो वही आएगा जो पहले आया था, क्योंकि मोल ऊपर जाएगा तो मोल की पावर माइनस वन, लीटर की पावर प्लस वन और सेकंड की पावर माइनस वन, ये आएगा, क्लियर है इतना, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, देखो तीसरा है, रेट देखो कितना है, रेट है के CH3CHO की पावर कितना, 3/2। तो आपको सीधा पता चल गया ऑर्डर आपका कितना आया, ऑर्डर आपका आया 3/2, जो भी पावर है। और के की वैल्यू क्या आएगी, तो के होगा रेट अपॉन CH3CHO की पावर कितना, 3/2। चलिए रेट की वैल्यू डालिए, रेट कितना है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, और ये भी कितना हुआ, CH3CHO मोल पर लीटर। तो अगर हम इसे खोलें तो देखिए आप पे क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन, देखिए मोल की पावर 3/2 और लीटर की पावर माइनस वन इंटू 3/2 होगा, -3/2, और ये दोनों फिर ऊपर जाएंगे। तो देखिए फाइनली आप पे के की यूनिट क्या आई, क्या आया, देखिए मोल की पावर 1 ऊपर है और नीचे से 3/2 ऊपर गया तो माइनस का 3/2 हो गया, ऐसे लीटर की पावर -1 ऊपर है
और नीचे से -3/2 पर जाएगा तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, और यहाँ सेकंड का इन्वर्स आएगा। अगर आप देखें तो मोल की पावर यहाँ से आएगी -1/2, लीटर की पावर यहाँ से आएगी +1/2, और सेकंड की पावर आएगी -1। ठीक है, तो ऐसी यूनिट आप पहली देख रहे होंगे क्योंकि के पहली बार देख रहे होंगे क्योंकि के फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, के फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट चीज, तो एक जो था वो आप होमवर्क करना जी है सबश। अब देखिए आप, एक क्वेश्चन है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर, पता है CH3O CH3, इथर में ओ होता है ना बीच में, वही है। तो डाईमिथाइल ईथर लेड्स के लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ CH4, H2 एंड CO। और रिएक्शन का जो रेट है वो कुछ ऐसा है, रेट इज इक्वल टू के CH3O CH3, यही तो होता है आपका डाईमिथाइल ईथर, इसकी पावर 3/2 है। नाउ इफ दिस रिएक्शन इज डन इन क्लोज वेसल, अगर हम इसे क्लोज वेसल में करें तो अब हमें प्रेशर के टर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट रेट ऑब्टेंड इज इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आपको फाइंड करना है यूनिट ऑफ के, अगर हम अब इसे पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखें तो के की यूनिट देखनी है हमें। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं कि होगा कुछ नहीं, रेट अभी भी वही होगा, के अभी भी वही होगा, के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता कि अगर हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में लें या मोलैरिटी के टर्म में लें, पर ये जो आपकी मोलर कंसंट्रेशन है ये पार्शियल प्रेशर के टर्म में आ जाएगी ऐसे, यही तो होगा और क्या फ़र्क होगा, 3/2। तो आपको के की यूनिट निकालनी है, यूनिट सिर्फ। तो के कितना आएगा, के सिंपली आएगा रेट अपॉन कितना, PCH3O CH3 की पावर कितना, 3/2। और मार्क माई वर्ड, रेट खुद किस में होगा, रेट होगा कंसंट्रेशन बाई टाइम, पर कंसंट्रेशन आज पार्शियल प्रेशर के टर्म में होगी। रेट क्या होगा आज, रेट होगा पार्शियल प्रेशर बाई टाइम, कंसंट्रेशन बाई टाइम, क्योंकि देखो आप कंसंट्रेशन नीचे पार्शियल प्रेशर के टर्म में ले रहे हो तो रेट को भी पार्शियल प्रेशर बाई टाइम लेना पड़ेगा। और पार्शियल प्रेशर किस में होता है, या तो बार में या तो ATM में। तो रेट खुद क्या हो गया, बार अपॉन टाइम, मतलब बार पर सेकंड। ठीक है, रेट खुद क्या हो गया, बार अपॉन टाइम, बार पर सेकंड, और प्रेशर खुद किस में, बार में, पार्शियल प्रेशर बार में, और यहाँ पावर कितनी, 3/2। तो ये 3/2 ऊपर जाएगा तो देखो क्या होगा, बार की पावर ऊपर तो 1 है, 3/2 ऊपर गया तो 1 -3/2, और सेकंड की पावर -1। तो आप देखोगे तो बार की पावर -1 और सेकंड की पावर भी -1 आ जाएगी। ठीक है, ये बार की पावर -1 और सेकंड की पावर भी -1 आ जाएगी। क्लियर है, और कुछ तो नहीं। और कुछ है क्या इसमें, नहीं, के की वैल्यू निकाल ली, 3/2 बार की पावर 3/2, और यह है बार पर मिनट, बस और क्या है। तो ये गलत आंसर क्यों दिखा रहे हैं, अरे यार बुक ने परेशान कर रखा है, बार पर मिनट सही तो है। ओहो -1 नहीं, -1/2 आएगा ना, 2 -3 -1/2, बहुत बढ़िया भाई, ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
क्या है? आपको बोला द डिकम्पोजिशन, और ये करा हुआ है आपने, आपको टाइम दूंगा करना इसे आराम से. द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम सरफेस. प्लैटिनम कैटलिस्ट के जैसे भी काम करता है. द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन. वट आर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ K इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स. ये हेबर्स प्रोसेस का उल्टा है. हेबर्स प्रोसेस में N2+3H2 2NH3 बनाता है, यहाँ पे उल्टा चलेगा. अगर आपको मैं रिएक्शन भी नहीं देता, आप लोग खुद करें इसे. ठीक है, करो. NH3 का डिकम्पोजिशन करना है. ठीक है, तो आपको हेबर्स प्रोसेस का उल्टा लिखना है कि 2NH3 गिव्स N2+3H2 और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 बताना है. चलिए, वेलकम बैक. करेंगे कैसे? सिंपल सी बात है. कुछ ऐसा करोगे कि पहले तो रिएक्शन देखोगे. तो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन डिकम्पोजिशन की होगी. 2NH3 प्लैटिनम के प्रेजेंस में क्या देगा? N2+3H2 देगा. अब उन्होंने बोला कि सिंपल सी बात है कि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. देखो, कोई भी रिएक्शन का रेट लॉ ऐसे बनता है कि रेट होता है कि NH3 यहाँ पे क्या है, NH3 यहाँ पे रिएक्टेंट है, उसका 2 दिख रहा है, 2 से कोई मतलब नहीं होता, 0 है. तो रेट और के बराबर आ गए, समझे? NH3 की पावर 0 1 होगा तो रेट और के बराबर आ जाएंगे, इसलिए दिया था. तो भाई यही रेट है, क्योंकि के देर का, के तो चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी हो वही रहता है. तो रेट और के क्या है? सेम बात है. तो बस अब करो. देखो, अगर मैं इसका रेट लिखूँ तो रेट होगा क्या? चेंज इन NH3 अपॉन टाइम इंटरवल और यहाँ पे हाफ. यहाँ पे कितना होगा? चेंज इन N2 अपॉन डेल्टा टी. और इसके आगे कोई स्टोइकोमेट्री नहीं है. और आगे क्या होगा? आगे अगर आप देखो तो प्रोडक्शन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे कितना है? 3 है, तो 1/3 आ जाएगा. अब क्योंकि रेट वही है जो K है, तो रेट की वैल्यू कितनी है? रेट की वैल्यू है 2.5 × 10 की पावर -4. तो ये 2.5 × 10 की पावर -4 इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, और इसके भी बराबर है, क्योंकि रेट और के सेम है. तो हमें दोनों निकालना है, N2 और H2 की प्रोडक्शन. तो एक बार इस R को इसके बराबर रख देते हैं, डेल्टा N2 बाय डेल्टा T. तो ये आपका डायरेक्टली आ गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2. अब आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 भी निकालनी है. तो ध्यान से देखो, R और ये 1/3 है. तो आपको ये पता चला, अगर ये कुछ ऐसा है तो जो आपका R है, मतलब K है, 2.5 × 10 की पावर -4, वो कुछ और नहीं 1/3 है किसके?
डेल्टा एच टू बाई डेल्टा टी के। तो आप क्या करोगे, डेल्टा एच टू बाई डेल्टा टी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, तीन के मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे, तो 3 × 2.5 इंटू 10^-4 कर दोगे, 2.5 × 3 होता है 7.5, तो ये 7.5 × 10^-4 आ गया। क्लियर है, शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, केमिकल काइनेटिक्स के आज की वीडियो में जितने भी हमने टॉपिक पढ़े थे अभी, उसका बस आखिरी पार्ट चलेगा उसके न्यूमेरिकल का, और उसके बाद हम नया टॉपिक देखेंगे जिसमें हम काफ़ी तरह की इक्वेशन देखेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इनसे रिलेटेड इंटीग्रेटेड फॉर्म जो होती है इनकी, उससे रिलेटेड हमें इक्वेशन पढ़नी है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको होमवर्क के तौर पर भी दे सकता हूँ, तो वो आप देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो जैसे कि उसमें एक क्वेश्चन हो गया कि आपसे मैंने बोला कि ये क्वेश्चन है कि अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। एक रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है ए में और सेकंड ऑर्डर है बी में, तो राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है। दूसरा, हाउ इज द रेट अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड। एक तो यह है। तीसरी चीज आपसे पूछ रहा है, हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल्ड। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन आपसे है कि एक कोई रिएक्शन है, वो ए जो हमारा रिएक्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है, और बी जो हमारा रिएक्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की है, तो हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनाना है। ये एक नई चीज़ हो गई, कोई बात नहीं। हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड। और उसके बाद तीसरा बोल रहा है, अगर ए और बी दोनों की हमने डबल कर दी तो रेट कैसे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। आपको रेट लॉ पता होगा, तो पहले देख लीजिए आप, रेट होता है के टाइम्स कंसंट्रेशन की पावर या ऑर्डर। तो देखिए, दो कंसंट्रेशन है या हम पे दो रिएक्टेंट है, एक ए है और दूसरा बी है, तो यहाँ ए लिख सकते हैं और यहाँ बी लिख सकते हैं, और ए के रिस्पेक्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर का है तो यहाँ 1 आ गया, और बी के रिस्पेक्ट में वो सेकंड ऑर्डर का है तो यहाँ 2 आ गया। तो कुल मिला के इसका ऑर्डर 3 है, पर आपसे वो तो पूछा नहीं है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछी ये चीज़ है कि डिफरेंशियल फॉर्म बनाओ। तो आपको पता है रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो वही लिख लीजिए। तो डी बाई डी टी और यहाँ पे आ गया सी, वेयर आप बोलोगे सी जो है कंसंट्रेशन है। अब चाहे वो ए की हो सकती है, चाहे वो बी की हो सकती है, पर यही इसकी डिफरेंशियल फॉर्म कहलाएगी। क्लियर, शाबाश। ठीक है, आपको ये पता है डी सी बाई डी टी कुछ और नहीं है, रेट ही है आर। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा देखिए, उन्होंने बोला कि रेट कैसा अफेक्ट होगा अगर हम बी की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दें। इसका मतलब ए में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मान लो नया रेट आर डैश है, ठीक है, वो कितना होगा, के लिखेंगे, ए में तो कुछ नहीं कर रहे, पर बी की कंसंट्रेशन अब बी ना होके ट्रिपल हो गई, मतलब 3b का होल स्क्वायर हो गया, बी की जगह 3b आ गया, ट्रिपल कर दी। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, 9 को आगे रखें, फिर के, फिर ए, और फिर बी का कितना चल रहा है, ऑर्डर 2 चल रहा है, ए का तो 1 है, 3 का स्क्वायर 9 बाहर कर दिया, ये पुराना वाला रेट है। ध्यान से देखो, के ए बी स्क्वायर पुराना वाला रेट है, तो नया वाला रेट पुराने वाले रेट का 9 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा आपसे कहना चाह रहा है
कि रेट में कैसा फ़र्क आएगा अगर हम ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दें, तो कैसा फ़र्क आएगा तो वो देखना पड़ेगा। मान लो नया रेट हमारा आर डबल डैश हो गया, के रहेगा, देखिए ओरिजिनल है ए पर उन्होंने बोला अब डबल होगा तो ये 2a बन जाएगा, पावर कितनी 1। देखिए ओरिजिनल में b है पर उन्होंने बोला डबल करना है तो इसको भी 2b लिख देंगे और यहाँ पे चलेगा स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना, 4, और 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 4 टू जा 8, तो 8 हमने बाहर निकाला, के रहा साथ में ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन का क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। इंडिसेस और सर्ट्स तो तुम्हें आते ही होंगे कि 2b का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 2 8 बन गया। अब ये जो है के ए बी 2, ये आपका ओरिजिनल रेट है तो इस बार 8 टाइम्स हो जाएगा रेट का, ठीक है। ओरिजिनल रेट का क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो तीनों चीज़ें आपने देखी कैसे बनी। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपसे बोला यह आप खुद करना कि आ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, मतलब एक ही रिएक्टेंट है, अब उस रिएक्टेंट को ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, पर एक ही लेना है। और रेट जो है वो बन जाएगा के, जो भी कंसंट्रेशन है उसकी पावर 2। जैसे आपने रिएक्टेंट ए ले लिया तो रेट बन जाएगा के टाइम्स ऑफ ए की पावर 2, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर है। तो उन्होंने बोला हाउ इज रेट ऑफ ए रिएक्शन अफेक्टेड, कैसे रेट ऑफ ए रिएक्शन अफेक्ट होगा इफ कंसंट्रेशन ऑफ डेट रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है हमारा एक ही रिएक्टेंट है ना, उसको एक बार हम डबल कर दें और एक बार हम हाफ कर दें, तो आप खुद देखना कैसा फ़र्क पड़ेगा। एक बार डबल कर देंगे और एक बार हाफ कर देंगे, ठीक है ये। और सेकेंड ऑर्डर है तो एक बार 4 टाइम्स हो जाएगा, एक बार 1/4 टाइम्स हो जाएगा, इसमें इतना कोई सोचने की बात नहीं है, पर आपको लिखना आना चाहिए जी, ठीक है ये बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करना। एक रिएक्शन है 2a plus b gives us c plus d, 2a plus b gives us c plus d, और उसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट से एक तो हमें a की कंसंट्रेशन मिली, दूसरा हमें b की कंसंट्रेशन मिली, और तीसरा हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा d का, तो डेल्टा d बाई डेल्टा t दे रखा। आपको भी पता है ये रेट ही होगा, क्या मैं सही कह रहा हूँ, रेट ही होगा, ठीक है पक्का, या कुछ और होगा पता नहीं सर, क्योंकि यहाँ 2a है, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ d है, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, तो देख लेंगे और फिर उसके बाद इसका टेबल ख़त्म करते हैं। तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है हमें, a की कंसंट्रेशन 0.1 है, b की 0.1 है, और यहाँ आएगा 6 × 10⁻³। फिर उसके बाद a की कंसंट्रेशन 0.3 है, b की 0.2 है, और ये आ रहा है 7.2 × 10⁻²। यूनिट यू एज नो मोल पर लीटर पर सेकंड, ये 0.3 है, 0.4, और ये है 2.88 × 10⁻¹। और चौथा है ये 0.4 है, ये 0.1 है, और यहाँ है 2.40 × 10⁻²। क्लियर है, शाबाश, ये चीज़ है। अब उन्होंने बोला, ये क्वेश्चन ख़त्म होता हो, उन्होंने बोला डिटरमाइन करो रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, तो ये आपको डिटरमाइन करना है, देख लीजिए कैसे होगा, ठीक है। और आप ऑर्डर और ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है, चाहे सबसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो, आना तो एक ही है ऑर्डर या रेट कांस्टेंट, ठीक है। करोगे कैसे, पहले तो इसका रेट लॉ बना लेना, और रेट लॉ से पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना, रेट ऑफ रिएक्शन होगा चेंज इन ए अपॉन चेंज इन टाइम, साथ में कौन है 2 है वो गया अपॉन में, फिर चेंज इन बी
अपॉन चेंज इन टाइम, साथ में आगे वन है तो कुछ नहीं, फिर है चेंज इन फी अपॉन चेंज इन डी, चेंज इन टाइम, और चौथा है चेंज इन डी अपॉन टाइम इंटरवल या चेंज इन टाइम। ठीक है, अब आप खुद देखिए रेट की वैल्यू। अगर हम पहले एक्सपेरिमेंट देखें, जैसे पॉइंट वन और पॉइंट वन है, तो ए और बी की बात है, तो ध्यान से देख लीजिए। अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, तो ये होगा ऐसे कि जैसे आप डेटा वन का यूज़ करेंगे, डेटा वन में देखिए रेट कितना है, डेटा वन में रेट है 6×10^-3। और डेटा वन में हम किस किस को ले रहे हैं, ए और बी को ले रहे हैं, सी और डी से तो हमें कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो डेटा वन में देखिए रेट कितना आया, रेट आया 6×10^-3। पर डेटा वन में ये 6×10^-3 होगा हाफ ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और यही बराबर होगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के। क्लियर, ये चीज़ है। ऐसे आप डेटा टू यूज़ करेंगे और डेटा थ्री यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चाहे तो ऐसी फॉर्म में कर लो, नहीं तो रेट लॉ फॉर्म में कर लो, पर रेट लॉ फॉर्म में ये टू नहीं आएगा। क्या आएगा रेट लॉ फॉर्म में, रेट जो है आपका वो बनेगा के कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर कितना, ए ही मान लेना, और कंसनट्रेशन ऑफ बी की पावर कितना, बी ही मान लेना। ठीक है, और डेटाज डालना और वैल्यू निकालना। ठीक है, डेटाज डाल के वैल्यू निकाल लेना, ए की कंसनट्रेशन क्या है, बी की कंसनट्रेशन क्या है, उनसे वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, अब बात यह है कि क्या ये चीज़ कोई फ़र्क डालेगी हाफ और ये, नहीं फ़र्क नहीं डालेगी, क्योंकि रेट लॉ में हम स्टोइकोमेट्री नहीं देखते। रेट लॉ में सिर्फ क्या देखते हैं, रेट लॉ में स्टोइकोमेट्री से हमें मतलब भी क्या है, हम दो थोड़ी डाल रहे हैं, पावर दो थोड़ी बना रहे हैं, हमने ऑर्डर्स क्या लिए हैं, ए और बी लिए हैं, डेटा डालो और हमसे निकालो। तो आपका फिर क्या आ जाएगा, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ए और बी की वैल्यू आ गई, जैसे मान लो ए दो आ गया और बी एक आ गया, तो यही आपका रेट लॉ हो जाएगा। और फिर क्या है, ए की कंसनट्रेशन डाल देना पहले डेटा से या दूसरे से या तीसरे से या चौथा से, और बी की भी डाल देना, और रेट भी करस्पॉन्डिंग डाल देना। जैसे रेट 6 डाल दिया, ए की वैल्यू याली डाल दी, बी की वैल्यू याली डाल दी, दो और एक आपको पता है, तो के की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे कर लेना, बस यूनिट का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये प्लीज़ कर लेना। उसके मैं आपको आंसर बताते हुए चलूँ, तो आपका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए कि आपका रेट जो है ए बी टू आएगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए वन होगा, फर्स्ट होगा, और विद रिस्पेक्ट टू बी आपका सेकंड होगा। उसके बाद जो आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू आनी चाहिए वो आपकी आएगी जी, कितनी, 6×, बस 6 ही आएगी, 6 आएगी आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ना आगे ना पीछे, सिर्फ 6 आएगी। ठीक है, ये देख लेना, शाबाश। और एक ये क्वेश्चन कर लेना, देखो आपको डेटा दे रखा है, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और रेट दे रखा है। ठीक है, कैपिटल आर, कितना कितना दे रखा है, देखो आज हॉरिजॉन्टल है, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें, तो डेटा से मतलब है। 0.20 ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन है 0.30 और रेट है आपका 5.07×10^-5। ऐसे ही ए की कंसंट्रेशन बाद में सेकंड एक्सपेरिमेंट में 0.20 है, बी की 0.10 और रेट है 5.07×10^-5। यह है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ठीक है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी दोनों के रिस्पेक्ट में आपको ऑर्डर बताना है कितना आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, शाबाश। और इसमें कोई क्वेश्चन काम का, चलिए जैसे एक ही क्वेश्चन है, ये बताओ आप एक रिएक्शन है, फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन है आपके Cl2 गैस प्लस 2NO गैस गिव्स अस 2NOCl गैसेस। ये आपकी रिएक्शन है, क्लोरीन गैस 2NO Cl बना रही है, और यहाँ पे रेट लॉ जो है वो है रेट इज इक्वल टू के Cl2NO^2। ये रिवीजन करने में आपको आसानी देगा, आपको ऑर्डर बताने, इसका ऑर्डर बताने ओवरऑल। तो अब ध्यान से देखो, रेट लॉ में Cl2^2 कितनी है, 1 है, NO^2 है, तो ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है, ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया, ऐसे।
अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, छोटे मोटे क्वेश्चन। देखो ये वेरी शॉर्ट आंसर वाले एमसीक्यूज टाइप में पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस, गायब होना, रिएक्टेंट ना गायब होता है, डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और रिएक्शन है वही N2+3H2 गिव्स अस 2NH3, गैसेस फॉर्म में होंगे। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन आपका कौन सी साइड है, रेट अगर आपका R हो गया, हाइड्रोजन आपका रिएक्टेंट हुआ तभी तो डिसअपीयर हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, चेंज इन हाइड्रोजन अपॉन टाइम इंटरवल, आगे कितने हैं 3, वो ऐसे लगेगा, और माइनस लगाने हैं माइनस लगा देना, पर ये माइनस किसका है, ये डिसअपीयर का माइनस है, ठीक है। तो ये आपका डिसअपीयर का रेट आ जाएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन द रेट ऑफ अ रिएक्शन एक्स गिव्स वाई, रेट ऑफ अ रिएक्शन जिसमें एक्स वाई को दे रहा है, वाई प्रोडक्ट होगा, एक्स रिएक्टेंट होगा, बिकम्स 8 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज डबल्ड। राइट रेट लॉ, रेट लॉ आपको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखोगे, सिंपल सी बात है। देखो उन्होंने बोला एक्स इज इक्वल टू वाई है, एक्स गिव्स अस वाई है, तो जनरली हमें कुछ ऐसा देखना है कि एक्स के अगर हम कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो वो 8 गुना हो रहा है, समझ पा रहे हो, एक्स की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो वो 8 गुना हो रहा है रेट, ऐसे कैसे हो सकता है। देखो 2 का क्यूब 8 होता है, आपको पता चल गया ऑर्डर 3 है। अगर आप ऐसे लिखोगे ना, रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, क्योंकि रिएक्टेंट तो एक्स ही है। अब हो क्या रहा है, जो नया रेट है वो 8 टाइम्स आ जा रहा पुराने वाले का, ऐसे, ठीक है, पुराने वाले का 8 टाइम्स आ जा रहा, मतलब आर डैश जो है 8R है, पर R खुद कितना है, R है kx। तो आप ये देखो होगा क्या, ये x ही 8x होगा, ये जो x है रिएक्टेंट नया वाला वो आपका क्या होगा, 8x होगा, पर इनिशियली तो ये x है। तो हुआ क्या होगा, देखो x के कब बन सकता है, 2 का क्यूब ही होता है 8, तब बन सकता है। तो अब आप खुद सोचो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। देखो जब ऑर्डर 3 होगा तभी तो ऐसा हो पाएगा। अगर आप इसे डबल कर दो, अब ये x डैश होता, x डैश को अगर आप 2x लिख देते, ये जो x डैश है इसे 2x लिख देते, तो 2x का क्यूब कितना आता, 8 आता, तो यही है, और ये हमारा क्या आ गया, रेट लॉ आ गया। ऑर्डर देखना था आपको बस, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आप पे कि रिएक्शन A+B gives us C इज 0 ऑर्डर। ये नया क्वेश्चन है, रिएक्शन A+B gives us C इज 0 ऑर्डर, राइट करना है इसका रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन वही है रेट लॉ वाली, फिर रेट लॉ लिखना है। जीरो ऑर्डर में रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, तो कैसे लिखेंगे, हालांकि ए और बी रिएक्टेंट हैं, ए और बी लिखे तो जाएंगे, पर ए और बी पर रेट डिपेंड नहीं करना चाहिए, इसलिए इनकी पावर या ऑर्डर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ए की पावर 0 भी बनाएगा, बी की पावर 0 भी बनाएगा, मतलब यहाँ पर रेट और रेट कॉन्स्टेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तेज चलाऊँगा, समझ जाना इन चीज़ों को। चलिए फिर इसके बाद आप पे है ये रहा, खुद देखो ये क्वेश्चन ये रहा, इसे भी समझना वैसे ही जैसे अभी कराया था आठ वाला। आप पे है फॉर द रिएक्शन, फॉर
for the reaction. 2x gives us x2. For the reaction, 2x gives us x2. The rate of a reaction becomes 3 times when concentration of x is increased 27 times. फाइंड ऑर्डर, ऑर्डर आपको फाइंड करना है. क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन है 2x gives us x2, और ये 2 ऑर्डर नहीं है. पहले बता दूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना बन जाता है या बढ़ जाता है जब हम x की कंसंट्रेशन 27 टाइम्स इंक्रीज कर लेते हैं. तो आप खुद देखो, अगर आप इनिशियल रेट लिखो तो रेट होगा k, और x का ऑर्डर कुछ भी हो, है ना, मान लो a है, ठीक है. ये थोड़ी है, 2 थोड़ी लेते हैं, पता है ना, स्टोइकोमेट्री नहीं लेते. रेट लॉ ये होगा, रेट इज इक्वल टू के एक्स का ए. अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला अब हम एक्स डैश क्या कर रहे हैं, 27 टाइम्स कर रहे हैं. एक्स डैश जो है वो है 27 टाइम्स ऑफ एक्स, ऐसा. तो नया रेट क्या होगा, देखो नया रेट होगा आर डैश के, और एक्स डैश होगा, और इसकी पावर कितना चलेगी, ए चलेगी. क्लियर है इतनी बातें. नया रेट क्या होगा, आर डैश होगा के होगा, एक्स डैश होगा ए होगा. पर एक्स डैश कितना है, 27x है के, एक्स डैश कितना है, 27x है. अब पावर कितनी चल रही है, ए. इसका मतलब ये हुआ 27 की पावर ए, अलग अलग हो जाएंगे ना ये, 27 की पावर ए, एक्स की पावर ए, तो 27 के और एक्स की पावर कितना, ए. ऐसे लिख लेंगे हम आर डैश को. आर डैश कितना हो जाएगा, 27 की पावर ए के और एक्स की पावर ए, और ओरिजिनल वाला देख लो, ठीक है. तो अगर इसको और इसको डिवाइड करें, आर डैश बाई आर करें, वैसे तो मैं आपको फिलोसफिकली बता देता, पर आज ऐसे देख लो मेथड से. तो आर डैश आपका 27 की पावर ए है, और यहाँ है के, यहाँ पे है एक्स, और यहाँ पे है ए, और ये चीज़ है आपकी के, यहाँ पे है एक्स, और यहाँ पे है ए, ये चीज़ है आप पे, है ना. 27 की पावर ए के एक्स है, और के एक्स है, के से के कैंसिल कर लो, एक्स की पावर ए से एक्स की पावर ए कैंसिल कर लो. अब आप पे आया आर डैश बाई आर कितने के बराबर, 27 की पावर कितना, ए. पर उन्होंने बोला रेट ऑफ ए रिएक्शन 3 गुना हो जाता है जब एक्स कितना हो जाए, 27 गुना. मतलब उन्होंने पहले से ही बोल के रखा है कि नया वाला जो रेट है वो 3 टाइम्स है पुराने वाले के, ये उन्होंने पहले से बोला है. आई बात समझ में, पहले से बोला है ये उन्होंने, ठीक है. आई बात समझ में, मतलब आर डैश बाई आर कितना है, 3. तो ये है आप पे कुल मिला के 27 की पावर ए 3 आ गया. 27 की पावर ए कितना आ गया, 3 आ गया. अब ऐसा कैसे हो सकता है, हमने ये तो देखा है 3 का क्यूब होता है 27, पर इसे चेंज नहीं कर सकते. तो आप बताओ कैसे करें, 27 की पावर ए 3 है, कैसे करें जी बताओ, सोचो खुद. अरे या एक काम करो, दोनों साइड 1/a कर लो, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप 27 a को 1/a से मल्टीप्लाई करें तो 3 को भी 1/a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब पावर बनानी पड़ेगी. अब कुल मिला के बात यह है, 1/a 1/a से दोनों साइड कर लिया, a से a कैंसिल हो गया, 27 आ गया, 3 की पावर 1/a. पर आप खुद सोचो, 27 होता है 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब बराबर आया 3 की पावर 1/a के. मैंने क्या करा, दोनों साइड 1/a कर लिया आप लोगों के कंफर्ट के लिए, मेरे को नहीं है इतना शौक, मैं इसे ओरली करता. तो 27 यहाँ बचा, यहाँ 3 की पावर 1/a बचा, 27 होता है 3 का क्यूब, बेस सेम होंगे, पावर इक्वेट होगी, तो 1/a 3 आ गया. पर हमारा ऑर्डर कितना है, हमारा ऑर्डर था के एक्स की पावर ए, ठीक है. तो हमारा ऑर्डर ए है, तो ए का ऑर्डर आ गया 1/3. तो हमें पता चल गया ऑर्डर कितना है, 1/3 है. क्लियर, शाबाश, ऑर्डर हमारा 1/3. चलिए इंक भर लेता हूँ, फिर आपको आगे पढ़ाता हूँ. ऑर्डर हमारा 1/3 आ गया. नेक्स्ट चीज देखते हैं, इसमें ये मिटाते हैं. तो देख लेना ये राम कहानी क्या हुई, आगे बढ़ते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब तो इसमें कोई क्वेश्चन शायद बचे नहीं। चलो एक ये देख लो, मैंने आपको बताया था रेट लॉ में अगर बहुत सी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक दो स्टेप में होती है, बहुत सारी उसमें साइड रिएक्शंस भी होती हैं, ठीक है, तो उस चीज़ों में, ऐसी रिएक्शंस में हम कौन सा वाला रेट लेते हैं या कौन सी वाली रिएक्शन लेंगे या रेट लॉ किससे डिफाइंड होता है, तो जो स्लोएस्ट रिएक्शन होगी या स्लोएस्ट स्टेप होगा उससे हम लोग देखते हैं। स्लो स्टेप ही हमें रेट को डिटरमाइन करने में मदद करता है। किस में? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। एलिमेंटरी में तो वही होता है, एक ही रिएक्शन है वही, उसी से हम रेट लॉ को डिफाइन करेंगे। पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो दो तीन स्टेप में हो या साइड रिएक्शन चले, उसमें जो सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन होगी उसी से हमें रेट मिलेगा, ठीक है। तो आप पे क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है आप पे कि द पॉसिबल मैकेनिज्म, द पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन, पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन है आप पे टू एनओ गैसेज फॉर्म प्लस ओ टू गैसेज फॉर्म गिव्स अस टू एनओ टू गैसेज फॉर्म, ये आप पे दे रखा है। तो इसके लिए देखिए मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो एक तो ये है, पहला एनओ प्लस ओ टू गिव्स अस, ये देखिए इक्विलिब्रियम का सिंबल आ गया, ये के हो गया और यहाँ है एनओ थ्री, यह है हमारी फास्ट, तो इससे तो रेट डिटरमाइन नहीं होता। और दूसरी है आप पे एन ओ थ्री प्लस एन ओ गिव्स अस, यहाँ पे है आप पे के टू, वो के वन नहीं है वो के ही है, ठीक है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हो सकता है ना, देखेंगे क्या चीज़ है। और ये आपको देगा एन ओ टू प्लस एन ओ टू गैसेज, दोनों गैसेज हैं और ये रिएक्शन है स्लो। तो देखो एक रिएक्शन कितनी आसान से दिख रही है सामने, पर उसमें देखिए अंदर अंदर केमिस्ट लोगों ने क्या पॉसिबल सिनेरियोज़ बनाए हैं कि पहले एनओ और ओ टू रिएक्ट करेगा, एनओ थ्री बनेगा बहुत तेज़ी से, फिर एनओ थ्री एनओ के साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा जो कि यह है टू एनओ टू, ठीक है, एनओ टू प्लस एनओ टू। तो आपको राइट करना है रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ट्राई करके देखो फ्लो स्टेप से कैसे निकालोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ और देखो कैसे बनेगा, ठीक है, चेक करो। पहले तो रेट लॉ लिख लो, स्लो स्टेप से लिखोगे ना, और कौन सी कंसेंट्रेशन लोगे, रिएक्टेंट के लोगे, तो रेट लॉ क्या बनाओगे, आर इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट कितना है स्लो स्टेप में, के टू है, फिर एन ओ थ्री इंटू एन ओ, ठीक है, तो वहाँ से बनाओ, कर लोगे, शाबाश, चलो वेलकम बैक। कैसे करा? देखो रेट हमेशा डिटरमाइन होगा स्लो स्टेप से, फास्ट से नहीं होता, रेट हमेशा स्लो स्टेप से निकलेगा। तो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट ये हैं एनओ थ्री और एनओ, तो रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू रेट आई, रेट इज इक्वल टू के, पर के यहाँ कितना है, के टू है, रेट इज इक्वल टू के टू। और फिर उसके बाद रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, तो एनओ थ्री और एनओ लिख लेते हैं, अभी हमें ये नहीं पता कि कितना है, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, तो रेट लॉ तो हमारे ये हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ है, हमें ऑर्डर भी बताना है रिएक्शन का, तो ऑर्डर कैसे पता चलेगा आप खुद देखो, क्योंकि यहाँ के टू नहीं होना चाहिए, के होना चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, ये जो है ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो इक्विलिब्रियम का याद है आपको के क्या होता था, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है ना ये फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, तो अगर ये करें तो के की वैल्यू क्या आएगी, देखो ऊपर प्रोडक्ट कितना है एनओ थ्री है और नीचे रिएक्टेंट कितने है, रिएक्टेंट दो चीज़ें होंगी यार आप पे, एनओ और ओ टू, एनओ भी है और ओ टू भी है, तो एनओ थ्री की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी आ गई, एनओ थ्री की वैल्यू बता दो यहाँ से कितनी आ गई, और वो वहाँ पुट कर लो, ठीक है, वहाँ से भी कुछ बात बन सकती है, के टू आ जाएगा, है ना, या ऑर्डर से निकाल लो, जैसे निकालना है वैसे निकाल लो। चल तो एन ओ थ्री की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, देखो आर इज इक्वल टू के टू, और ये देखो एन ओ ऐसे लिखा, अब सारी बातें चलेगी एन ओ थ्री की, एन ओ थ्री यहाँ से कितना आया, के टाइम्स ऑफ एन ओ और एन ओ टू, तो के टाइम्स ऑफ कितना आया एन ओ और कितना ओ टू, के टाइम्स ऑफ एन ओ और ओ टू,
क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। अब यहीं से आपकी एक चीज़ बनी, देखो अगर आप क्या करो इसमें, ऑर्डर तो यहाँ से आ जाएगा, देखो के टू के रेट के बराबर, एनो दो बार है तो एनो की पावर कितनी आ गई, दो आ गई, ठीक है, और ओ टू